हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। रक्षाबंधन आ रहा है, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ अपना पर्पल हॉल, जिसमें मैंने अभी रक्षाबंधन पे ही पर्पल पे, आपको पता ही है कभी ना कभी पर्पल पे तो हमेशा डिस्काउंट या कुछ सेल वगैरह चलती रहती है। अभी मानसून सेल चल रही थी और अब रक्षाबंधन पे कुछ ऑफर डिस्काउंट चल रहे हैं, तो मुझे जो सामान चाहिए था वो मैंने purple.com से मंगाया है गाइस, जो मुझे कल रिसीव्ड हुआ। बट मैं इसकी वीडियो आज कर रही हूँ और मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने कुछ बहुत ही अच्छे, कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मंगाया है, एंड इसमें स्किन केयर भी है, इसमें मेकअप के प्रोडक्ट भी, और इसमें आपको हेयर केयर के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस प्राइस में मंगाया गाइस। ये मुझे इस तरह की पैकेजिंग में एक बॉक्स है जो रिसीव्ड हुआ है। अभी मेरे इसमें कुछ, मैंने दो प्रोडक्ट और मंगाए थे। एक मंगाई थी मैंने हार्ड वैक्स जो मैंने अपने फेस के लिए मंगाई थी, अदर कहीं भी कर लो उसको, हार्ड जो हार्ड बीन वैक्स होती है वो, बट वो अभी आई नहीं है गाइस। और मैंने मंगाया था एक मिस रोज़ का लाइनर पेन, जिसमें पीछे अब जो न्यू वाला पेन है वो भी ऑर्डर किया है, तो वो भी अभी नहीं आया। वो जब आएगा तो मैं उनका रिव्यू आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, और मैं अभी फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मंगाया है। तो गाइस देख सकते हैं, ये मुझे इस तरह से पैकेजिंग में मिला है ये, और इस पर इसके सारे मेरी जो एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल मेंशन है। और अब मैं इसको करूँगी अनबॉक्स, तो ठीक है गाइस। काफ़ी उससे पैकेज करके भेजते हैं गाइस। ये देखिए, ये मिला है मुझे इसमें कार्ड, एक द हार्ट गेट बिगर का। ये जो अभी purple.com पे चल रही है ये 50% सेल जो अब आएगी गाइज, ये 4 to 8 अगस्त तक आएगी। ये ब्रांड भी हार्ट, इसकी ये सारे पर्पल के जो अलाइट के प्रोडक्ट हैं। और बस ये तो कुछ भी नहीं है, खाली है। ये मैंने मंगाया था गाइज विटामिन सी का। इसमें बिल नहीं आया है, मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया उसका। ये रहा बिल। तो मैं आपको गाइस इस तरीके से दिखाती हूँ कि उसमें मुझे सही से सेटिंग नहीं बैठी मेरे कैमरे की। तो ये मैंने सबसे पहले मंगाया अरोमा मैजिक का विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल, जो SPF 30 के साथ आपको मिल जाएगा। ये 100 ग्राम की क्वांटिटी में मिलता है। ये मैंने लिया है गाइस 300 रुपये का, और इसमें थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट कभी कभार आता है गाइस, बट मेरे को ये 300 रुपये में ही थोड़ा सा कम मिला होगा। ये कहाँ है, ये रहा। ये मुझे 300 रुपये का मिला है गाइस। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मुझे नहीं पता इसका इफ़ेक्ट कैसा है, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा है, तो मुझे ये लेना था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी गर्मी है, मानसून है, और मैं अभी जो नया इसकी SPF यूज़ करती हूँ तो वो मुझे बहुत ऑयली और बहुत चिपचिप करता है, तो मुझे कोई जेल बेस की सनस्क्रीन लेनी थी गाइस। तो ये थोड़ा सा जेल बेस की सनस्क्रीन है, एंड ये मैंने आपको दिखाया कैमरा, देखिए। तो ये वाली मैंने मंगाई है अरोमा मैजिक की, तो इसको मैं यूज़ करूँगी गाइस। तो जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी गाइज, उसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसा लगा है प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने एक ये मंगाया गाइज शॉर्पनर, इसका मुझे बहुत इंतज़ार था, सच में बहुत ज़रूरत थी इसकी मुझे, क्योंकि मेरी जो NYB की पेंसिल है, जो काजल पेंसिल है, कोल पेंसिल, वो शार्प नहीं हो रही थी। तो मैंने ये बेला वॉस्टे का ये छोटा सा है शॉर्पनर, 4-in-1 लिखा है इसमें, डुअल पॉइंट कॉस्मेटिक शॉर्पनर है। ये भी मुझे 60 के अराउंड मिला है गाइज, ये 64 या 65 कुछ ऐसा ही था ये। हाँ ये रहा, ये मुझे 64 का, इतनी सारी ये पन्नी लगा के भेजते हैं ना, तो ये वाला मैंने कॉम्पैक्ट लिया है कलर बार का। और ये SPF 40 है गाइज, तो गर्मी है तो मुझे अच्छे से SPF, और मैंने मंगाया इसमें विक्टोरिया बीज लुक 3 गाइज। ये मैंने NYB का है, और ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल है गाइज, ये तो ये मैंने इसीलिए मंगाया था कि ये बहुत अफोर्डेबल। ये है 176 का मिला है मुझे, नहीं नहीं ये इसका नहीं है, हाँ ये मुझे 128 का मिला है, मतलब ये
लाइक 150 रुपये में, और मुझे उसमें डिस्काउंट भी मिल गया था, मुझे 128 का पड़ा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये 3 साल चल भी जाएगा, तो ये भी मंगाया मैंने। और मैंने मंगाया है ये मंगाया मैंने, अभी दिखाती हूँ क्या है इसमें, और भूल भी जाती हूँ ना मैं क्या क्या मंगाया था, पता नहीं था। और ये मंगाया मैंने स्टे कुर्की के काजल, जो दो काजल हैं ये, काजल पेंसिल एंड स्टे कुर्की की, ये जो ऑफर में आ रही थी गाइज, ये भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल गई थी। पता नहीं इसका तो दे नहीं रखा, हाँ ये रहा ऊपर है सबसे। तो ये स्टे कुर्की की काजल थी जो मुझे 161 में मिली थी गाइस, ये दोनों ही मुझे 161 में मिल गई थी। अभी मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है, देखती हूँ कैसी हैं काजल पेंसिल ये। तो ये डुअल पैक मंगाया मैंने, और मैंने मंगाया है कि ये पर्पल का गोल्ड का 24 गोल्ड प्राइमर जो आता है, ये मुझे मिला था, हाँ ये मुझे 360 में मिला है गाइस। ये वैसे तो काफ़ी कॉस्टली है, आई थिंक ये 450 के आसपास है इसका MRP, बट मुझे ये वहाँ से 360 में मिल गया था, क्योंकि मैंने एलाइट मेंबरशिप ले रही है तो ले रखी है, तो मुझे उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्काउंट मिल गया था गाइस। तो मुझे ये 360 अराउंड, इसमें कोई MRP वगैरह नहीं लिख रही है इनकी, तो इस तरह से ये पैकेजिंग है, देख सकते हैं आप, पर्पल काफ़ी अच्छा है। बट मुझे लगता है ये छोटा होगा इसमें, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट मुझे लगता है छोटा सही है ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये मंगाया, ये भी मेरा, ये मैंने यूज़ कर रखा है, मैंने अभी मेकअप किया था तीज पे, तो मैंने उसमें यही वाला कंसीलर यूज़ किया था गाइस। तो ये NYBE का कंसीलर है जो मेरे पास पहले भी है, HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर है ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। NYBE के प्रोडक्ट गाइस काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट है, तो मुझे लगता है जो हमें सस्ते में या बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्यों महंगे ब्रांड पर जाना, और उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये लिक्विड है, लिपस्टिक की शेप में आता है ये, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी किसी अलग वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी गाइज। तो ये मुझे मिला है, ये मुझे 160 नहीं, ये नहीं है, मैं तो गलत पढ़ लेती हूँ, NYBE है ना, कहाँ है सबके जो मुझे ये गाइज, जो सबके रेट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका ये मुझे मिला है 176 का गाइस, और इसके जो MRP है ये तो मुझे नहीं पता कितनी है, बट ये मुझे 176 का मिला है, मुझे लगता है ये 250 के आसपास का है, तो मुझे भी ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया है। और ये तो गाइस मेरे थे मेकअप के प्रोडक्ट, कुछ स्किन केयर, ठीक है, ये मैंने मेकअप प्रोडक्ट मंगाए थे, एंड स्किन केयर है। स्किन केयर में गाइज मैंने ये SPF मंगाया है, और ये छोटा सा मेरे को मिला है, ये गुड वाइब्स का ये स्क्रब है, हाँ ये स्क्रब है, ये रेसबरी और पेपर मिंट वाला स्क्रब है गाइज ये, ठीक है, ये छोटा सा है, लाइक ये मुझे फ्री मिला है, तो ये भी स्किन केयर का है। और इसमें मुझे ये हैंड सैनिटाइज़र मिले हैं गाइज, ये तो आजकल आ ही रहे हैं सबको, मुझे लग रहा है सबको ही दे देते हैं हैंड सैनिटाइज़र, बस अब जब से कोरोना हुआ है ना, बस यही करते रहो, सैनिटाइज करते रहो। ये देखिए अब पता नहीं ये कैसा होगा कापर, हाँ ये है कि काफ़ी 50 ml की क्वांटिटी का है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, एंड ये फ्री मिला है मुझे ये शॉपिंग करने पे। और ये डर्मडॉक का है जो, तो ये छोटा सा पैकेज है, पर मुझे ये लगता है कि इन्होंने पैकेज में दिया है, ये थोड़ा सा ट्यूब में होता तो ज़्यादा अच्छा था, फिर ट्रैवल हैंडी होता, अगर ये इस तरह की ट्यूब में देते तो काफ़ी अच्छा होता। अभी ये पाउच है, तो हमें किसी एक बार खुल जाएगा तो फिर उसको ट्रैवल में नहीं यूज़, हमने लाइक इसको कैरी नहीं कर सकते गाइज, अगर इस तरह से ट्यूब में होता तो फिर हमें ये छोटा सा कैरी करने में भी दिक्कत नहीं होती, कहीं भी पॉकेट में पर्स में डाला तो उसे हम कैरी भी कर सकते थे। तो अदरवाइज़ मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इसकी पैकेजिंग थोड़ा सा चेंज कर दें, ये मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगा सैनिटाइज़र जो है ये पाउच में। और मैंने मंगाया बायोटिक का गाइज, ये अब थोड़े से हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं गाइज जो मैंने ये मंगाए हैं, ये है बायोटिक का फ्रेश टेक्सचर शैम्पू एंड कंडीशनर, और ये है बायो हीना लीफ, हाँ
हाँ ये बायोटिक का बायो हीना लीफ वाला शैम्पू और कंडीशनर। अब देखती हूँ गाइस कैसा है, ये दोनों का वर्क करता है क्या, जिसमें बोला है कि ये शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों है, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं इनको देखती हूँ कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों इससे ही हो जाएगा क्या, क्योंकि मैं तो अलग अलग यूज़ करती हूँ शैम्पू अलग कंडीशनर अलग, तो मैं अब ये वाला शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करके देखूँगी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा है, ये 159 का है, बट शायद मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट है इसमें, इसकी MRP 159 है। और ये मुझे मिला है, मैं बताती हूँ अभी, बायोटिक ये मुझे मिला है 124 का गाइस, तो 124 रुपये में अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है गाइस, तो कोई अच्छा है प्राइस वाइज, तो 190 ml की क्वांटिटी है गाइस, तो काफ़ी अच्छा है प्राइस वाइज। एंड बायोटिक के प्रोडक्ट आपको पता है वे भी होते हैं लैब केमिकल होते हैं, तो उस वजह से भी मुझे अच्छा लगा ये, तो मैं देखूँगी अब इसको यूज़ करके कैसा है। बाकी वाकई में ये कंडीशनर और खुशबू तो बहुत अच्छी है गाइज, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये मेरा ये भी अच्छी काफ़ी अच्छा है, देख रहे हैं कितना बड़ा है गाइस, हल्का हल्का सा पिंक पिंक सा है इसमें। और गाइस मैंने ये गुड वाइब्स के हेयर ऑयल मंगाया, ये मुझे एक इसमें छोटा वाला जो है वो फ्री मिला है, ये है गुड वाइब्स का ब्राह्मी नेचुरल कैरियर ऑयल, देख सकते हैं। ये इसकी MRP है गाइस 525 रुपये, जो मुझे पड़ा है 200 ml की इसकी क्वांटिटी है, और जो मुझे कितने का मिला है, हाँ मुझे मिला है गाइस ये 446 का मिला है, तो 450 में मिला है मुझे गाइस। और मुझे इसके साथ ये कोकोनट वाला छोटा वाला कोकोनट का फ्री आया है, देख सकते हैं। ये वाला जो है ये 200 ml है, और ये जो है ये 100 ml है, तो आपका इसका इफेक्ट फर्क भी देख सकते हैं कितना है। तो गाइस देखा ये थे मेरे कुछ जो मैंने अभी फ़िलहाल purple.com से मंगाए हैं, कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल एंड शैम्पू, और कुछ मेरे मेकअप के प्रोडक्ट थे, मेकअप में तो काफ़ी कुछ था, और कुछ मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट थे गाइस। आपको मैंने इनके प्राइस भी बता दीजिए, मैंने वहाँ से अलाइट मेंबरशिप ले रखी है, आप भी वहाँ से अलाइट की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट चलते ही रहते हैं गाइस, तो कभी बाय वन गेट वन कुछ फ्री का मिल जाता है गाइस, फ्री है। तो गाइस ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो करिए लाइक, और मेरे चैनल करिए सब्सक्राइब। आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो है मेरा भर चुका है बिल्कुल, देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।